हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा जिला में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। हुड्डा ने इस अवसर पर हरियाणा और पंजाब सरकार को भी जमकर कोसा। कांग्रेस के पूर्व सीएम ने करीब डेढ़ दर्जन गांवों का दौरा किया और लोगों से बातचीत भी की। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने बाढ़ के बचाव के लिए कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए, जिसके चलते आज प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस मौके पर हुड्डा ने पीड़ित किसानों और ग्रामीणों को उनकी खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से 40,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग भी की। हुड्डा ने कहा कि बाढ़ के चलते दुकानदारों और मकान मालिकों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए प्रदेश की खट्टर सरकार द्वारा इन्हें भी राहत देनी चाहिए। उन्होंने हरियाणा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि पीड़ित लोगों को पोर्टल के चक्कर में ना उलझाएं और उनकी मदद करें। हुड्डा ने कहा कि प्रकृति के सामने सब बेबस हैं, लेकिन हरियाणा में पिछले 9 सालों में नालों और नदियों की सफाई आज तक नहीं की गई, इसी वजह से आज प्रदेश के हालात बदतर हो चुके हैं। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना गुस्सा निकाला। हुड्डा ने मान के SYL का पानी हरियाणा को न देने के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर पंजाब SYL का मुद्दा सुलझा लेती तो आज पंजाब न डूबता। खैर, पत्रकार वार्ता में हुड्डा ने खट्टर सरकार पर और कुछ क्या सवाल उठाए, आपको वो भी सुनवाते हैं। जो बाढ़ से नुकसान हुआ है और खेतिया नीलगिरी का तो टोटल हजारों एकड़ में, तो हमारी एक तो सबसे पहले मांग ये है, हक भी है, कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ का तो मुआवजा तुरंत सरकार को देना चाहिए, किसान को राहत देनी चाहिए और जो गरीब आदमी हैं उनको राहत देनी चाहिए, जिनकी मजदूरी गई, जिनका काम खत्म हुआ। और ये देखिए, वैसे तो पीछे से पानी आया है, पहले भी आता था, लेकिन अब के ज़्यादा नुकसान इस वास्ते हुआ, ये समय पर नहरों की सफाई करा देते, ड्रेन की सफाई करा देते, और जब से कैरी जो है इनको सफाई करा देते, नहरों की सफाई कराते, और इसकी जो है ओटू झील की भी जो खुदाई जो दो फेज और होने थे वो कर देते, तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। देखिए, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, फसल तो जहाँ से पानी गया फसल सारी खराब होगी, बहुत सारी डेथ भी हुई है काफ़ी, तो 4 लाख जो सरकार ने मुआवजा दिया वो नाकाफ़ी है, कम से कम 20 लाख देना चाहिए। और यहाँ पे घरों में पानी नहीं आया, लेकिन बहुत सारे इलाके में हरियाणा में घरों में पानी घुसा है, घर भी गिर गए हैं लोगों के, बड़े बड़े मकान गिर गए हैं, उनका मुआवजा देना चाहिए, दुकानों में भी कई जगह घुस गया है, दुकानदारों को मुआवजा देना चाहिए, जो भी तरीका सबको मुआवजा करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें तो पहले टूटी पड़ी थी, बिल्कुल ही टूटी पड़ी है, आवागमन जो है वो भी बंद हो रहा है, तो उनको तुरंत कार्रवाई इनको करनी चाहिए। सरकार ने पोर्टल खोल दिया क्षतिपूर्ति के लिए, दावे डालने के लिए, ऐसा है, ये पोर्टल के चक्कर में ना डालें, तुरंत मुआवजा दें 40,000 रुपये प्रति एकड़। पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है, सरकार तो पोर्टल सरकार हो गई, फिर तो ना दो किसी मंत्री की जरूरत ना किसी अधिकारी की जरूरत, जो पोर्टल जो है वो जिस काम जो जन चुके हो उसको तो इस्तेमाल करो। अब किसी बेचारे को किसान को पोर्टल नहीं चलाना आएगा तो क्या करेगा वो, ये तुरंत सरकार का काम जो है उसको तुरंत राहत देनी चाहिए। सरकार का दावा था कि बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, लेकिन नेचर के सामने मजबूर है। देखिए, नेचर तो होता है, लेकिन ये बताएं इनके देख कौन सी नहर सफाई करी अभी, क्यों भाई कितने साल हो गए नहर सफाई, 9 साल से सफाई नहीं, प्रत्यक्ष ऊपर पानी की जरूरत नहीं, जब 9 साल तक सफाई नहीं होगी, ड्रेन सफाई नहीं की जाएगी, नहर की खुदाई नहीं होगी, ओटू झील के जो 2 फेज हमारे समय में खुद गए थे उसके बाद 2 फेज और खुदाई होनी थी, उन्हीं खुदाई नहीं होगी तो होगा ही। सर, पानी को लेकर जो अगर ये सारी कार्रवाई समय पर कदम उठाती सरकार तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली डुबाने में हरियाणा का हाथ है, क्या बाढ़ से? देखिए, जहाँ तक दिल्ली का पानी दिल्ली में आता है, यमुना का पानी, अब के पानी जो ज़्यादा 3,80,000 क्यूसिक आया वहाँ से, हमारे समय में 8 लाख क्यूसिक आया था, जब भी दिल्ली डूबी, क्योंकि ये दिल्ली और हरियाणा सरकार की दोनों की वो है जो समय पर कदम नहीं उठाए,
हरियाणा सरकार ने भी जो बांध थे, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ बांध पहले से मजबूत करते, तो ना तो बांध मजबूत किए, ना ड्रेन सफाई करी, ना सीवर साफ किए, जो कदम उठाने चाहिए थे वो ना हरियाणा सरकार ने उठाया, ना दिल्ली सरकार ने उठाया। पंजाब के सीएम का बयान था कि एसवीएल का पानी नहीं देंगे, बाढ़ का पानी लेना है तो ले लो। ऐसा है, उनको ज्ञान नहीं है, अगर एसवाईएल खोद दी होती तो पंजाब भी बच जाता।